Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your Long Man New Images A Comprehensive Course in English for class 3, chapter 9. The name of this chapter is Festival Fiesta, and the theme of this chapter is Our Nation. Before starting, let us look at the word for today that is bond. We know that a bond means a strong feeling of friendship, love, or shared experiences that joins people or groups together. Celebrating festivals together helps us to bond with each other. Bond एक ऐसी strong feeling होती है अब वो feeling friendship की हो love की हो या कोई ऐसा experience जो आपने साथ में share किया हो जिससे कि लोग आपस में जुड़ जाते हैं सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टूगेदर हेल्प अस टू बॉन्ड विद ईच अदर अगर आप फेस्टिवल्स साथ में मनाएं तो भी आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं इन द क्रॉस कनेक्ट वी हैव इन बिजनेस अ बॉन्ड इज़ अ लीगल सर्टिफिकेट दैट अ गवर्नमेंट और अ कंपनी गिवस टू दीपल फ्राम होम दे बोरो मनी अगर कोई कंपनी किसी से कुछ बोरो करती है कोई पैसे बोरो करती है बदले में वो उनको बॉन्ड देती है बॉन्ड एक लीगल सर्टिफिकेट होता है दीज पीपल आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी कंपनी जिनसे पैसे लेती है उन लोगों को इन्वेस्टर्स बोला जाता है द इन्वेस्टर्स कैन देयर मनी बैक इन रिटर्न फॉर द बॉन्ड अब इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसे दिए बदले में कंपनी ने उनको बॉन्ड दे दिया अब अगर इन्वेस्टर को वापस से अपने पैसे चाहिए तो जो कंपनी ने बॉन्ड दिया है वो बॉन्ड आप वापस से कंपनी को दे दो कंपनी आपकी मनी आपको रिटर्न कर देगी लेट अस रीड दिस ब्यूटिफुल पोम ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया नाउ दिस पोम इज़ ऑन द ब्यूटिफुल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इंडिया में जो भी अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसके बारे में आपको इस पोम में दे रखा है Ours इज़ अ लैंड ऑफ़ फेस्टिवल्स टेन एंड ट्वेंटी The calendar is marked with holidays a plenty. हमारा जो ये land है यानि के India जो है वो land of festivals माना जाता है क्योंकि यहाँ पर खूब सारे अलग अलग religions के festivals भी मनाए जाते हैं हमारे calendar में खूब सारी छुट्टिया mark होती हैं क्योंकि इतने सारे festivals हैं We welcome the year to rejoice the harvest season. Celebrating Bihu और बैसाखी फॉर गुड रीज़न बैसाखी या बीहू सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए हार्वेस्ट सीज़न होता है जब आप खेती करते हो आपकी फसल उग चुकी है और अब आपको उसको काटना है तो उस काटने के टाइम को हार्वेस्ट सीज़न बोलते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और इसका नाम है बीह या फिर बैसाखी सम कॉल इट संक्रांति वर्शिप द सन एंड मेक मैरी अदर्स इन शाइनिंग पॉट्स मेक स्वीट पोंगल टू कैरी कुछ लोग इसी दिन को संक्रांति भी बोलते हैं जिस पर हम लोग काइट्स फ्लाई करते हैं भगवान सूर्य की यानी के सन को पूजा भी करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कुछ लोग शाइनिंग पॉट्स में पोंगल भी बनाते हैं पोंगल इज़ अ डिश खाने की डिश है तो कुछ लोग पोंगल भी बनाते हैं सोन इट इज़ टाइम टू ब्रिंग कलरफुल रेनबोज टू अर्थ सो वी प्ले होली अ फेस्टिवल सो फुल ऑफ मर्थ मर्थ मीन्स हैप्पीनेस जैसे ही आप चाहते हो कि अब कलर्स आए हमारी लाइफ में अर्थ पे बहुत सारे कलर्स दिखने चाहिए तो हम लोग होली खेलते हैं होली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें खूब सारी हैप्पीनेस होती है मस्ती होती है कलर्स होते हैं जन्माष्टमी कम्स एंड रेन क्लाउड्स फिल द स्काइज बारिश के वक्त जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी के समय जो भी हमारा ये स्काई है आसमान है ये पूरा क्लाउड्स से भरा हुआ होता है अब क्लाउड से तो हमेशा भरा हुआ होता है यहाँ पर कौन से क्लाउड्स हैं रेन क्लाउड्स यानी के बारिश के बादल है इसका मतलब ये जो जन्माष्टमी है ये रेनी सीजन में आती है अ मंथ ऑफ फास्ट एंड एंड देन इट इज ईद सो फुल ऑफ सरप्राइज अब ईद को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पहले एक महीने तक फास्ट करना होता है यानी कि व्रत करना होता है एक महीना फास्ट करने के बाद ईद का सेलिब्रेशन इतने सारे सरप्राइजेस लेकर आता है ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी एंड दशहरा स्टेचूज स्काई हाई कम आउट बट इट द डिवोट इन प्रेयर बी इट द डिवोट और इन प्रेयर और द फन लविंग ऑल आर आउट एंड अबाउट गणेश चतुर्थी के टाइम पे या दशहरे के टाइम पे बड़े बड़े स्टैचूज़ बनते एकदम स्काई हाई लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं बी इट द डिवोट डिवोट होते हैं वो लोग जो धार्मिक होते हैं प्रेयर्स करते हैं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो भी अपने घरों से बाहर आते हैं और द फन लविंग वो लोग भी अपने घर से बाहर आते हैं जो मस्ती करना चाहते हैं जो खूब सारा इन्जॉय करना चाहते हैं ऑल आर आउट एंड अबाउट ऐसे सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ जाते हैं इट इज़ दिवाली ग्लिटरिंग लैम्प एंड डेलिशियस स्वीट्स फिल द एयर वैन द ईयर इज़ ऑलमोस्ट डन क्रिसमस कैरल्स आर एवरीवेयर अब दिवाली के टाइम पर ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग मीन्स शाइनिंग खूब सारे लैम्प्स आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं बहुत सारा टेस्टी स्वीट्स आपको देखने को मिलेगा और जब ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर को आ जाता है क्रिसमस जिस दिन आप गाते हैं क्रिसमस कैरल्स सो ऑल थ्रू द ईयर वी हैव फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट तो हमने ये देखा कि साल की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खूब सारे फेस्टिवल्स होते हैं वी सोक इन गुडविल्स स्वीटनेस एंड नन कैन सेपरेट अस गुडविल मीन्स हैविंग फ्रेंडली फीलिंग्स फॉर अदर्स हम लोग आपस में त्योहार मनाने में ऐसे डूब गए हैं कि अब कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू शेयर री जॉइस एंड टू बॉन्ड टू बिल्ड चेरिशिंग मेमोरीज़ सो हैप्पी एंड सो वेरी फॉन्ड कितना अच्छा लगता है जब हम लोग सब एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं हम लोग ये जो मेमोरीज हैं अपने माइंड में हमेशा के लिए सो स्टोर कर करके रख लेते हैं तो ऐसी मेमोरीज के लिए हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं इसी वजह से बोलते हैं कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्रीज़ है यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं लेकिन फिर भी लोग हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम लाइफ टाइम के लिए चेरिश करना चाहते हैं सो विद दिस आर पोम इज़ कम्प्लीटेड If you have any doubts, you can write me in the comment section below. If you understand this poem and if you really like it, then kindly subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.